हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक राणा। वेलकम यू ऑल टू अवर फेवरेट यूट्यूब चैनल रा एजुकेशनल। रा एजुकेशन चैनल पर आप सभी भाविंदों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, यूपी ट्रिपल एससी में बम्पर वैकेंसी के बारे में बातचीत करेंगे और रिसेंटली पूरा पीडीएफ आप लोगों के लिए अवेलेबल हमने करा दिया अपने टेलीग्राम ग्रुप में, तो इसमें सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे और आज की ही पूरी अपडेट है इसमें। ये देख सकते हैं पीडीएफ है हमारे पास पूरा और इसको अपने टेलीग्राम ग्रुप रा एजुकेशन में मैंने प्रोवाइड कर दिया है, तब उसे ज्वाइन हो जाइएगा और सारी लेटेस्ट वीडियोज़ और लेटेस्ट वैकेंसी की नोटिफिकेशन सबसे पहले हम वहाँ पे अपडेट कर देते हैं। तो जूनियर असिस्टेंट की बम्पर वैकेंसीज निकली है और आवेदन कब से शुरू है, कुल कितनी पद हैं इसमें, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में और आवेदन करने की लास्ट डेट कब है, कितनी फ़ीस स्ट्रक्चर है, अलग अलग कैटेगरी के लिए क्या क्या आपके पदों की संख्या है, कितना पे स्केल है, कितना ग्रेड पे है, सारी चीज़ों पर चर्चा है इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसी लेटेस्ट वैकेंसी की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वैकेंसीज़ की डिटेल आपके लिए लाता रहता हूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, वीडियो लास्ट तक देखिएगा और अप्लाई करना चाहते हैं तो अच्छे से समझिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप रा एजुकेशन से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर मैंने पीडीएफ अवेलेबल करा दिया है। तो देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये पूरी वैकेंसी है हमारे पास और पूरा पीडीएफ है, यहाँ देख सकते हो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस के बारे में है यहाँ पे, और कनिष्ठ सहायक सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019 और डेट आज की देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने की तिथि 26/6/2019 यानी 26 जून, और शुल्क जमा करना आपका कब से शुरू हो जाएगा, आज ही से शुरू हो जाएगा, और आपका परीक्षा आपके सबमिट करने की अंतिम तिथि है 20 जुलाई तक आपको डेट मिली गई है और संशोधन आप 27 जुलाई तक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा चीज़ है और विशेष कथन यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें जो मेंशनड है कि ईमेल, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर आपका जो होना चाहिए, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो इसको आराम से समझ के पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं आपके जो इंपॉर्टेंट प्रश्न जिस पे उठते हैं उनके कॉमन प्रश्नों की बातचीत, कि पहले कितना ग्रेड पे है। तो ग्रेड पे आप देख सकते हैं वेतन बैंड आपका 5200 से 20200 है और ग्रेड पे आपका 2000 है यहाँ पे। मैट्रिक लेवल आपका 3 है और टोटल जो पदों की संख्या अगर बात करूँ तो 1186 पद हैं, अलग अलग आपके विभागवार, अनारक्षित, आरक्षित सबकी चीज़ों के बारे में अभी नीचे हम लोग पूरी बात करेंगे, कौन कौन से पदों पर वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट में, ऑनलाइन के बारे में पूरा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सारा चीज़ आप इस पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैंने अवेलेबल करा दिया, पुनः बता दूँ रा एजुकेशनल जिस नाम से आप चैनल पे हैं उसी नाम से ये रहता है और सारी वीडियोस ऐसी ही आती हैं। तो इस पे आपको सरकारी रिजल्ट तो कॉमन है ही, वेबसाइट यहाँ पे आप इस वेबसाइट से भी अपना सारा काम कर सकते हैं http://upssc.gov.in पर, और उम्र सीमा आपकी 18 से 40 वर्ष निर्धारित की, बाकी आपको आपकी कैटेगरी के अनुसार आपको आरक्षण दिया जाएगा, छूट जरूर मिलेगी। तो ये आवेदन का है, फ़ोटो अपलोड कैसे करना है, क्या की चीज़ें हैं, फॉर्म कैसे और घोषणा पत्र क्या करना है, डिक्लेरेशन। इसके बाद यहाँ पे आते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर, जो सेकंड क्वेश्चन आता है कि फ़ीस कितनी है सर, तो फ़ीस का ये पूरा पैमाना यहाँ दिया हुआ है। सामान्य यानी जनरल कैंडिडेट के लिए 185 रुपये, OBC के लिए 185 रुपये, SC ST और विकलांग यानी फिजिकली हैंडीकैप्ट के लिए आपका SC ST के लिए 95 और फिजिकली हैंडीकैप्ट के लिए 25 रुपये है आपका। तो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर की हमने बात कर ली, अब आगे चलते हैं पीडीएफ में और ढेर सारी चीज़ें जानते हैं। तो ये देखिए आपका पूरा टोटल वैकेंसी के बारे में, 1186 टोटल पद हैं और इसके बारे में के बारे में बातचीत कर लें तो यहाँ देख सकते हैं पद विभाग का नाम है यहाँ पे और कितनी सबके लिए अलग अलग आपके लिए वैकेंसी कितनी है उसके बारे में यहाँ पे पूरी चर्चा दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आरक्षण का अलग से यहाँ पे है, जो क्षैतिज आरक्षण जैसे स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित, विकलांग, महिला, भूतपूर्व सैनिक सबके लिए अलग अलग सीटें डिफाइंड होती हैं, तो वो श्रेणीवार आपका यहाँ पे पूरा मेंशनड है। तो ये अब टोटल लास्ट में हम लोग आते हैं और बहुत ढेर सारी वैकेंसीज हैं आप देख सकते हैं विभाग में। तो 659 आपके टोटल जनरल के लिए वैकेंसी है, 216 अलग वैकेंसी, 282 29, टोटल 1186 वैकेंसीज यहाँ पे हैं इसके लिए पूरा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि उल्लेखने के उपयुक्त सारणी में विभागों के समूह को लिखित रक्त पदों के लिए विवरण अंतर्गत कमजोर, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्ति हैं यानी EWS को संबंधित उत्तर प्रदेश शासन के कार्यकाल ज्ञापन के अपक्ष 10% को आरक्षण का विवरण नहीं दिया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। यानी जो EWS की वैकेंसी के हिसाब से अलग निकलता है 10% के हिसाब से, वो नहीं दिया गया है इसमें। तो ये पूरी डिटेलिंग है और आप इसके बारे में पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं, पूरा PDF प्राप्त कर सकते हैं।
तो सारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पुनः बता दूँ, पीडीएफ आराम से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप राय एजुकेशन से जुड़ जाएगा। आपका टेलीग्राम ऐप नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम ऐप, और उसमें सर्च कर लीजिए राय एजुकेशनल, तो ये RAI करके जो हमारा लोगो है वैसे ही आपको दिख जाएगा। आप ज्वाइन हो सकते हैं और पूरा कंटेंट फ्री में पा सकते हैं वहाँ पे। तो बने रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड ऑन राय एजुकेशनल। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।